Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, S.S. Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss computation of median. We have already discussed how to compute mean for the grouped and ungrouped data. And this time I am going to discuss how to compute median. Okay. So, as usual, the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for all students who have to compute mean, median and mode for their numericals. So, first of all, हम लोग ये जान चुके हैं माध्यिका क्या होती है, हमने ये पढ़ लिया, इसकी थ्योरी पढ़ ली है, हम ये जानते हैं कि माध्यिका जो है वो बिंदु है जो जिसके ऊपर और नीचे बराबर बराबर स्कोर्स रहते हैं, या वो मध्य का बिंदु है, माध्यिका मध्य का अंक है, है ना, ऐसे है. तो जब ऑड डेटा, अगर हम अनग्रुप डेटा के लिए पहले बात करेंगे फिर ग्रुप डेटा के लिए बात करेंगे, तो अनग्रुप डेटा दो तरीके का हो सकता है, या तो ऑड नंबर में हो या इवन नंबर में हो. ऑड नंबर यानी कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 आपके ऑड नंबर हो जाएंगे, और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इवन नंबर हो जाएंगे. तो ऑड डेटा अगर होगा तो व्हेन द डेटा इज ऑड द मीडियन इज कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर. तो मीडियन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से, देखिए डेटा ये दे रखा है, कुछ अंक हैं जैसे 58, 34, 32, 47, 74, 67, 35, 34, 30. तो हमने सबको गिन दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो n इज इक्वल टू क्या है, 9 है. तो सबसे पहले हम मीडियन ऐसे ही नहीं निकालेंगे कि इसी में हमने देख लिया कौन सा मिडिल का पॉइंट है. हम उसको पहले या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. ये बात हम पहले आपसे कर चुके हैं. फर्स्ट द डेटा इज टू बी अरेंज इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही अवरोही क्रम में आपको इसको अरेंज करना होगा, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में. ठीक है, तो जनरली हम बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं. तो वी विल अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड विल लुक लाइक दिस. अगर हम इसको बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो हम देखेंगे कि डेटा इस तरह से दिखता है. कैसे, सबसे छोटे से शुरू कीजिए, 30, 32, 34 दो बार है तो 34, 35, 47, 58, 67 और 74. इसी डेटा का अगर आपको बहुलक निकालना होता तो 34 दो बार है तो इसका मोड 34 हो जाएगा. खैर मोड की बात बाद में करेंगे, तो मीडियन निकाल रहे हैं. तो फॉर्मूला क्या है, द फॉलोइंग फॉर्मूला इज देन यूज्ड टू कंप्यूट मीडियन, यानी कि जब ऑड डेटा के लिए आप ऑड नंबर, ऑड डेटा का मतलब यहाँ पे ये है कि विषम नंबर में संख्या होगी जितनी बार है वो अंक आंकड़ा, तो हम कैसे निकालेंगे एम डी. यहाँ डी छोटा लिखना चाह रही थी पर ये मुझसे हुआ नहीं है, नेक्स्ट वाली स्लाइड में ठीक है. तो एम डी इज इक्वल टू एन प्लस 1/2th स्कोर, यानी कि एन जो भी है आपका, एन क्या है यहाँ पे 9 है, प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5. तो 5th आइटम, यानी कि माध्यिका ये नहीं बता देंगे 5 है, पांचवें नंबर पे अंक कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें नंबर पे अंक कौन सा है, 35. तो इस पूरे आंकड़े की माध्यिका 35 हो जाएगी. वैसे भी आप इसको, इसमें कुछ कंप्यूट ही नहीं करना, आप ऐसे ही देख सकते हैं कि ऊपर ऊपर 4 अंक है 1, 2, 3, 4, नीचे 4 अंक है 1, 2, 3, 4, ऐसे ही हो गया. तो ये तो खैर फॉर्मूले में लगा के देखिए, जैसे जैसे दिखाना चाहिए आप करते करते आपको आइडिया लग जाएगा, आप ऐसे ही बता देंगे कि इसकी माध्यिका 35 होगी, क्योंकि 35 9 है तो 4 ऊपर 4 नीचे पांचवा अंक हो जाएगा, है ना. फिर आप आइए इवन डेटा के लिए. व्हेन द डेटा इज इवन द मीडियन इज कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर, इसी में एक और जोड़ दिया है तो एन इज इक्वल टू 10 हो गया इस बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है ना, तो हम पहले क्या करेंगे, फिर पिछली बार की तरह हम इस डेटा को क्या करेंगे, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो हमने 30 से शुरू किया, 30, 32, 34, 35, 39, 47, 58, 67 और 74. तो फॉर्मूला आपकी क्या लगेगा, फॉर्मूला इसमें लगेगा एम डी. देखिए यहाँ पे ये छोटा डी ऐसा लिखना चाह रही थी मैं अभी, मीडियन इज इक्वल टू एन बाई 2th स्कोर प्लस एन बाई 2th स्कोर प्लस 1/2. कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि एन बाई 2th स्कोर क्या है, पांचवा, यानी कि 35. एन बाई 2th स्कोर प्लस 1 क्या है, छठा, क्योंकि 5 + 1 हो गया छठा. और ये क्या है, 39. तो 35 + 39/2 = 37 इस ग्रुप की, इस अनग्रुप डेटा की माध्यिका हो जाएगी. ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको कि जब विषम है, सॉरी सम संख्या है तो हमको बीच का पॉइंट मिलेगा नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 बीच में तो कोई पॉइंट है नहीं. तो क्या करें, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 35 + 39/2, यही तो क्या है, 35 + 39/2 = 37. ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर विषम संख्या है तो बीच का अंक जिसके ऊपर नीचे बराबर बराबर अंक हो, और अगर सम है तो बीच का 1 और उसके बाद वाले को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, वो वाला ले लीजिए. तो ये हो गया 37. ठीक, ये तो आसान है, पर एग्जाम में आपसे जनरली ग्रुप डेटा पूछेंगे. ग्रुप डेटा का कैसे निकालेंगे, देखिए
फॉर्मूला यूज फॉर कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप डेटा इज एज फॉलोज, MD MD फॉर मीडियन इज इक्वल टू L प्लस, देखिए हमको दो ही चीजें ध्यान देनी है, क्या एक तो हमें फॉर्मूला सही याद हो और दूसरा हमको पता हो कि फॉर्मूला में L क्या है, F कैपिटल F क्या है, स्मॉल F M क्या है, I क्या है, N क्या है, बस और हम सवाल सही मतलब आंकिक गणना आप सही कर पाए, मतलब छोटा मोटा आप न्यूमेरिकल कर पाए, थोड़ा बहुत आपको टेबल गुणा भाग आता हो तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स बहुत घबराते हैं स्टैटिस्टिक्स से, है ना, खासतौर से आर्ट्स साइड के जो बी ए एम ए में एजुकेशन लेते हैं या सोशियोलॉजी में भी है, जो इकोनॉमिक्स लेते हैं वो बच्चे, इकोनॉमिक्स वालों को तो अभी बहुत मैथमेटिकल फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं, बहुत साधारण बहुत आसान। देखिए एम डी इज इक्वल टू एल प्लस, अगर हिंदी माध्यम में हम लोगों ने बचपन में पढ़ाई की तो इसको कहा जाता था बड़ा कोष्ठक, इसको छोटा कोष्ठक, इसके बीच में जो ऐसे करके बनता है वो मझला कोष्ठक, लेकिन आपसे ऐसे बात करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, फिर उसके अंदर क्यों ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इसके बाद भी और भी संख्याएं और भी आंकड़े और भी इसमें फॉर्मूले में आपको रखना है, नहीं तो सिर्फ एन बाई टू होता तो सिर्फ छोटे कोष्ठक से काम चल जाता। तो एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ अपॉन एफ एम, यानी कि हमको f अपॉन एफ एम निकालना है, उसको n बाई टू में से घटाना है और जो भी आए उसको i से गुणा करना है और इस पूरे जो भी अंक का मान आएगा उसको हमें l में जोड़ देना है तो माध्यिका निकल आएगी। अब देखें क्या क्या है सब, एम डी इज इक्वल टू मीडियम, मीडियम है इसका कर्सर, हाँ l इज इक्वल टू क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास, चूंकि ये ग्रुप डेटा है इसमें क्लास इंटरवल होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी होगी, सॉरी तो वो जो क्लास इंटरवल में मीडियन आपका लाई करेगा, मतलब उस क्लास इंटरवल में जिसमें मीडियन होगा उसको मीडियन क्लास कह देंगे, तो उसी क्लास की लोअर लिमिट यानी कि निम्नतम सीमा जो होगी वो एल है। एन क्या है टोटल ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज, हमेशा स्टैटिस्टिक्स में एन क्या होता है टोटल, एन होता क्या है नंबर से ही तो बना है, नंबर से एन बना है तो जितना पूरा नंबर वो एन हो गया, तो एन इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज। कैपिटल एफ क्या है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिफोर द मीडियन क्लास, यानी कि आप ऊपर जा रहे होंगे ना ऐसे, अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा, तो जो मीडियन क्लास जिस क्लास इंटरवल में होगा उसके नीचे सॉरी हाँ उसके नीचे वाली क्लास में से जितनी भी आवृत्तियों का योग हो, अभी आप एग्जांपल में देखेंगे तो समझ जाएंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिफोर द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले जितनी भी फ्रीक्वेंसी उसको हमने जोड़ लिया तो हमारा कैपिटल एफ आ गया। स्मॉल एफ एम क्या है फ्रीक्वेंसी विद इन द इंटरवल अपॉन विच द मीडियन फॉल्स, ये फॉल्स है ना, फ्रीक्वेंसी विद इन द इंटरवल उस वर्ग अंतराल की आवृत्ति हमको चाहिए जिसके ऊपर मीडियन है, ये आप देखेंगे तो पता चलेगा। और आई क्या है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल सारा मैं आपको बताती हूँ आगे, देखिए जैसे ये फॉर्मूला, ये आपको आंकड़ा दिया है 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, फ्रीक्वेंसी सबकी दे दी है 3, 4, 6, 5, 7, 5, सबको हमने जोड़ लिया तो एक डेटा तो हमको यही मिल गया n इज इक्वल टू 30। क्लास इंटरवल क्या होगा 10 से 14 के बीच में क्लास इंटरवल 5, जोड़ लीजिए 10, 1, 11, 12, 13, 14 हो गया ना, तो i इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 30, दो चीज तो हमको यही पता चल गई जो हमको फॉर्मूले में रखनी है, आगे हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे ये कह रहे हैं, सबसे पहले फॉर्मूला था क्या, ये देखिए फॉर्मूला था ना आपका n बाई टू, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है n बाई टू निकालना है, तो n बाई टू क्या होगा n, फर्स्ट स्टेप इज टू कंप्यूट n बाई टू, दैट इज n हमने जोड़ा था, जोड़ा n कितना आया था 30 आया था, तो n इज इक्वल n बाई टू दैट इज 30/2, सो दैट वी ऑब्टेन वन हाफ ऑफ द स्कोर्स इन द डेटा 15 इन दिस केस, यानी कि n बाई टू का मतलब 30/2, 30/2 का मतलब 15, तो इस केस में 15 हमको n बाई टू मिल गया। अच्छा फिर ये कह रहे हैं स्कोर्स आर इवन इन नंबर, 30 है ना स्कोर्स आपका 30 है, तो हमारी माध्यिका क्या होगी 15 + 16/2 होनी चाहिए, यानी कि 15वें और 16वें स्कोर के बीच में कहीं आना चाहिए, है ना, तो 15 और 16वां स्कोर कहाँ रहा है ये देख लीजिए आप, ये है ना, ये फ्रीक्वेंसी है 3, इसमें 4 जोड़ा 7 और इसमें 6 जोड़ा 13, ऊपर से चलिए ये 5, इसमें 7 जोड़ा 12, इसमें 5 जोड़ा 17, इसका मतलब कि आपका 13 17 और हमें 15 और 16 के बीच में चाहिए, इसका मतलब ये 25 से 29 वाला जो क्लास है वो हम मीडियन क्लास मान सकते हैं। क्यों कैसे हमने इसको देखिए समझिए कि कैसे किया है, n इज इक्वल टू 30, 30/2 इज इक्वल टू 15, तो 15 चूंकि हमारा इवन मतलब ये जो 30 है वो इवन नंबर है, तो हम इसको क्या करेंगे 15वें और 16वें स्कोर के बीच में कहीं होगा,
तो हमको ऐसे तो स्कोर नहीं पता चल रहा है ना, ये तो आवृत्ति दी है 3 4 6, तो ये सब जुड़ रहा है ना, 3 और 4 7 और 6 13, ऊपर से जोड़ेंगे तो 5 और 7 12 और 5 17, तो 13 वाले में तो आएगा नहीं, किसमें आएगा, 17 वाले में आ सकता है, क्योंकि 24 वाले में तो आना नहीं है, 15 16 17 ये सब आसपास का है, तो 17 वाले के हम ये अपनी सुविधा के लिए हमने मान लिया कि ये मीडियन क्लास हो गया आपका 25 से 29। ठीक है, ये हम लोग बाद में ऐसे ही अनुमान लग जाता है, इसको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप देखिए देखिए 40 तक लगभग जा रही है आपकी सीज, तो ये 20 से 24 या 25 से 29, इन्हीं दोनों में से कोई एक मीडियन क्लास हो सकता है, ना 15 19 होगा, ना 10 14 होगा, ना 30 34, तो आप इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, हमने इसमें इसको ले लिया है, तो 25 से 29 हमने मीडियन क्लास ले लिया। तो हमको चाहिए क्या था, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, यानी कि ये 25 से शुरू हो रहा है, तो लोअर लिमिट इसकी हमेशा इससे 0.5 कम होती है, यानी कि 24.5। इसी की अगर अपर लिमिट की बात करेंगे तो ये 29.5 होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 30 है, समझ में आ रही है ना। तो ये सब कुछ एजम्पशन है, वो हम वैसे ही मान लेते हैं, वैसे ही करते हैं हर बार। तो 25 है, 25 की लोअर लिमिट हो गई 24.5, तो कितने सारे हमको चीजें पता चली। देखिए, एज दी स्कोर्स आर इवन इन नंबर, द मीडियन शुड फॉल बिटवीन 15 एंड 16 स्कोर, वेदर वी एड दी फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम अबव, अगर ऊपर से जोड़ रहे हैं तो 17 आ रहा है, नीचे से जोड़ रहे हैं 18 आ रहा है, तो ये कह रहे हैं मीडियन हमारा जरूर 25 से 29 वाले में ही आएगा। फिर 25 से 29 वाले की लोअर लिमिट ले ली, 24.5 आ गया। अब हमको क्या करना था, क्या करना था इसमें, देखिए ये सवाल हमको एल भी पता चल गया 24.5, एन बाई 2 पता चल गया 15, कैपिटल एफ क्या था, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिफोर द मीडियन क्लास, जो मीडियन का क्लास इंटरवल है उसके नीचे की जितनी फ्रीक्वेंसी है सबको जोड़ना है, तो मीडियन का क्लास क्या हो गया, ये हो गया ना 25 से 29, ये इसके नीचे कितनी फ्रीक्वेंसी है जोड़ लीजिए 4 3 7 6 13, तो हमको कैपिटल एफ भी पता चल गया है ना, कैपिटल एफ हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, स्मॉल एफ एम निकालना है। ये कह रहे हैं इट इज द फ्रीक्वेंसी विद इन द इंटरवल अपॉन विच द मीडियन फॉल्स, इन द प्रेजेंट एग्जाम्पल द मीडियन क्लास इंटरवल इज 25 to 29 एंड द फ्रीक्वेंसी फॉर दिस क्लास इंटरवल इज 5, सो एफ एम इज इक्वल टू 5। मतलब कि जिस क्लास इंटरवल को आपने मीडियन क्लास लिया है उसी की आवृत्ति एफ एम, देखो यहाँ क्या लिखा है, फॉर्मूले में लिखा है ना एफ एम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी विद इन द इंटरवल अपॉन विच द मीडियन फॉल्स, जिस वर्ग अंतराल में माध्यिका आ रही है उसी की आवृत्ति लेनी है। तो ये देखिए 25 से 29 वाले को हमने मीडियम क्लास लिया है, इसकी आवृत्ति कितनी है 5, तो एफ एम कितना हो गया 5 हो गया। अब हमको फॉर्मूले में सबका मान पता है, फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ एम इंटू आई, एल एम डी मीडियन, एल क्या थी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास हमने निकाल लिया 25 से 29, लोअर लिमिट उसकी हो गई 24.5, ये हमको अंक पता चल गया। एन बाई 2, एन कितना 30/2 बराबर ही हो गया 15, कैपिटल एफ कितना है उसके जिस क्लास को मीडियन क्लास लिया है उसके नीचे की सारी आवृत्ति, तो वो जोड़ दिया गया 13, एफ एम जिस क्लास में मीडियन क्लास है उसकी आवृत्ति कितनी है वो है 5, तो ये हमको सारे ही सारे अब अंक पता चल गए हैं। अब देखिए ये है फॉर्मूला का, एम डी इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ एम इंटू आई, तो जो ब्रैकेट से बाहर है वो ब्रैकेट से बाहर रहेगा, ये नहीं कि सब आपस में खोल के सब मिला देंगे, सब ये जो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर का जितना भी मान है वो पूरा निकाल के लाइए अंत तक, फिर उसको आई से गुणा कीजिए और फिर जितना आ रहा है उसको एल में जोड़िए, ये तरीका करने का, नहीं तो सारी आप डिजिट इसमें सही रख के भी सब गलत कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 24.5 ये हम निकाला था, प्लस 30/2 माइनस एफ इज इक्वल टू 13 निकाल लिया है, एफ एम 5 निकाल लिया है, तो 30/2 क्या हो जाएगा 15, एक एक स्टेप में चलाते चलेंगे, ये तो ऐसे ही उतर आया 24.5 प्लस 30/2 की जगह हो गया 15 माइनस 13/5 गुणे 5, तो 15 में से 13 गया 2, तो इस स्टेप में क्या हो गया 24.5/2/5 सॉरी प्लस 2/5 गुणे 5, फिर क्या हुआ 24.5 प्लस 2/5 क्या हो जाएगा 0.4, और 0.4 को आप 5 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे वो क्या भिन्न में गुणा कर लीजिए, तो जाएगा 10/5 इज इक्वल टू 2, जैसे भी कर लीजिए 2 ही आना है, तो 24.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 26.5। तो इस ग्रुप्ड डेटा के लिए आपकी माध्यिका का मान 26.5 आया एंड इट फॉल्स इन द मीडियन क्लास इंटरवल 25 से 29। मतलब हमने ये तो पता चल गया था हमको कि 25 से 29 के बीच में कहीं आएगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा था, एग्जैक्टली पता चल गया कि 26.5 इसकी माध्यिका का मान है, यानी कि 26.5 के ऊपर और 26.5 के नीचे सारे बराबर बराबर देहादे अंक हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि गणना बहुत आसान है लेकिन
कंसेप्ट पहले समझ में आए कि माध्यिका होती क्या है, फिर फॉर्मूला हमको याद हो सही सही कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट के अंदर है एन बाई टू माइनस कैपिटल एफ अपॉन एफ एम इंटू आई, कितना छोटा सा कैलकुलेशन है, बस हमको खटाखट खटाखट सबके मान रखते जाने हैं। एन आपने जोड़ लिया 30, 30 बटे 2 बराबर हो गया 15, सबसे पहले मीडियन क्लास निकालिए, उसकी लोअर लिमिट लेनी है, यानी कि 25 रख के सवाल कर लिया, 24.5 लेके चलेंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे वाली क्लास की सारी फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे वो कैपिटल एफ है, फिर वो जो मीडियन क्लास है उसकी आवृत्ति एफ एम है सारे, और वर्ग अंतराल 10 से 14 था तो वर्ग अंतराल 5 हो गया। अपने आप उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप आइडिया आ गया, हाँ 10 से 14 वर्ग अंतराल 5 होगा, इतना तो खुद करता है बिना मतलब एकदम स्पॉन्टेनियस। तो 24.5 प्लस 15 माइनस 13/5, अब इसमें ऐसा ना करने लगे कि 15 माइनस 13/5 उसको खोल दिया, 13/25 गुणा गलत सलत, नहीं पहले हमको ये भाग देना है, तो भाग देने वाला अंक तो क्लियर हो 15 में से 13 था, ये भी हो सकता है कि ये अंक बहुत ज्यादा हो माइनस में आए और इसमें से ये घट जाए, ये भी हो सकता है, तो प्लस माइनस का भी ध्यान देना है। यानी कि बेसिक मैथमेटिकल एबिलिटी आप में होनी चाहिए, बचपन में आपने जब भी गणित सीखी है वो आपने कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, और अगर नहीं भी है तो अब सीखिए, लेकिन सीखिए, क्योंकि नहीं करना और दूर भागना कि नहीं हमको करना ही नहीं है तो वो तो बहुत आसान तरीका है, तो मतलब आसान तरीका किसको अच्छा लगता है, कठिन तरीका चुनिए, तब उसमें जब आ जाएगा करने तब देखिए कितनी खुशी होगी कि अरे वाह हम सवाल भी लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव लर्न्ड हाउ टू कंप्यूट मीडियन फॉर द ग्रुप्ड एज वेल एज अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा में इवेंट होगा तो आपको दोनों बीच के दो मतलब बीच वाला और उसके बाद वाला जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, ऑड होगा तो वो आपको ऊपर नीचे बराबर अंक ऐसे ही मिल जाएंगे, मतलब फॉर्मूले में बिना रखे भी कर सकते हैं आप, पर अगर आपको फॉर्मूले में रखना है फॉर्मूले में रखे करिए, और ग्रुप डेटा होगा तो आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, एन कैसे निकाला जाता है, लोअर लिमिट क्या होती है, गुणा भाग कैसे करते हैं, सही फॉर्मूले में रखिए और निकाल लीजिए मीडियन। तो हम लोगों ने माध्य निकालना सीख लिया और हम लोगों ने माध्यिका निकालना भी सीख लिया, अब बचा है बस आपका सेंट्रल टेंडेंसी में मोड। ठीक है, तो नेक्स्ट बार हम लोग बात करेंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं। सो I have completed this very topic too. So thank you all, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.